हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको अर्थ किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने गांव के अंदर देखा है कि वहां पर किसी गांव में न्यूट्रल को अर्थ किया हुआ है और किसी गांव में न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों क्या ऐसी स्थिति में न्यूट्रल को अर्थ नहीं करने पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम जो ट्रांसफार्मर है उसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें लाइन कैसे होते हैं, कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 11,000 यहाँ से दी जाती है, यानी कि हाई वोल्टेज इसमें दिए जाते हैं और यहाँ से इसको अर्थ किया जाता है। यानी कि जैसा ही दोस्तों आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर दो प्रकार की कोयल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोस्तों इसका जो पहला सिरा है उसमें हाई वोल्टेज दिए जाते हैं और जो दूसरा सिरा निकलता है प्राइमरी का उसमें अर्थ कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें जो ये पेज है तो ये पेज हमारे मीटर में गया और जो दूसरा दो टर्मिनल है सेकेंडरी का वह भी हमारे यहाँ पर मीटर में गया। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो गए, यानी कि सिंगल पेज ट्रांसफार्मर ज़्यादातर गांव के अंदर ही रखे जाते हैं और वहां पर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाए या नहीं। तो दोस्तों अगर न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ नहीं करेंगे तो इसमें क्या नुकसान होगा? तो दोस्तों जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वह होता है हमारा रिवर्स पॉइंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है। जैसे मान लो दोस्तों ये हमारी मोटर है और इसमें न्यूट्रल और पेज दे दिया, तो दोस्तों ये जो पेज घूमता हुआ मोटर के अंदर से न्यूट्रल के अंदर आएगा और जो इसकी बची हुई एनर्जी है वो वापस इसी न्यूट्रल के द्वारा ट्रांसफार्मर में आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि ट्रांसफार्मर पर इसका असर पड़ेगा और वो ओवर हीट होगा और साथ में मोटर भी ओवर हीट होगी। और कभी अगर दोस्तों हाई वोल्टेज आ गए तो डायरेक्ट, यानी कि जो दोनों कुंडली होती है प्राइमरी और सेकेंडरी उनके बीच में जो इंसुलेटर होता है वो कभी अगर जल जाए तो हाई वोल्टेज इसके अंदर आएंगे और हमारे उपकरण को ख़राब कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूट्रल किया जाता है, न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है यानी ग्राउंड किया जाता है, वो ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर इसको अर्थ किया हुआ नहीं है तो इसका दूसरा जो सोल्यूशन है दोस्तों कि हमारे घर में जो न्यूट्रल पॉइंट है हम उसको यहीं से अर्थ कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो ज़्यादातर प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि एक तो दोनों साइड में पेज दिखाएगा, यानी कि आप न्यूट्रल साइड में लगाऊँ टेस्टर को लगा के देखेंगे तो भी उसमें टेस्टर गलो होगा और पेज में भी गलो होगा। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि पेज वाला कौन सा है और न्यूट्रल वाला कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ से अपने घर पर ग्राउंड कर दिया तो जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वह न्यूट्रल वाला उसमें टेस्टर नहीं चलेगा, यानी कि दोस्तों इसका जो सिंपल सा काम है कि आपको एक अर्थ इसको मतलब यहाँ से ग्राउंड कर देना है, बस ये इसका सोल्यूशन है। अब इसका जो फायदा है, एक तो कभी अगर हाई वोल्टेज आ भी जाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी कि आपके उपकरण जो बची हुई मोटर की जो एनर्जी है वो इसके माध्यम से ज़मीन के अंदर चली जाएगी और आपके उपकरण को नुकसान नहीं होगा। और अगर न्यूट्रल को हम अर्थ नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे उपकरण और ट्रांसफार्मर दोनों पर पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।